जो भगवान श्री राम की शरण उपासुका है, तो जब भरत भगवान जी से मिलकर के आए थे वन में, तो उनकी शरण उपासुका लेके आ गए थे। नहीं, जब राम जी पहले निकले थे, भरत जी ननिहाल में थे, बाद में आए वहाँ अयोध्या, आए अयोध्या से चित्रकूट में जाके राम के पास पहुँचे, भैया लौट चलो, तब नहीं लौटे वो, पिताजी का वचन नहीं जाएंगे, तब उसके बाद कहे बिना कुछ आधार के हम जी नहीं पाएंगे, तो वही शरण उपासुका लेके आए, नंदीग्राम पर 14 वर्ष बिताए। नहीं तो वही मैं कहना चाहता हूँ, तो यहाँ नंदीग्राम में उन्होंने अपनी शरण उपासुका ये रखी है, अयोध्या में लेके सिंहासन पर रखी गई। नहीं, शरण पादुका से यही हमारा तो पादुका सिंहासन दिए हैं आपने, जो ये वृक्ष के नीचे कुटिया वो है। अच्छा, ये राम के लिए सिंहासन दे दिए। हाँ, पादुका के लिए, पादुका के लिए सुबह बैठते थे पादुका के आधार से, इसीलिए वो अयोध्या वाला मुकुट जो राजा वाला होता है वो पादुका के ऊपर लगाए हैं। नहीं तो वही मैं कह रहा था, अयोध्या में नहीं रखा था सिंहासन पे, अयोध्या में खाली वही जो उनके गुरु थे और जो गण लोग थे, यहीं आप रख लीजिए 10 मिनट, उसके बाद प्रसाद लेके जाइए। हाँ, अच्छा, तो चरण बाद का ही चरण पद का, और वो तप वहाँ करते थे, तप वहाँ तब किस लिए करते थे, कैसा तप में क्या क्या तप, अब जो जो उनके मन में आता था भगवान के ध्यान में, या कोई भी जब हनुमान जी लगा था शक्तिवान, तब हनुमान जी वहाँ से सजीवन बूटी लेके जा रहे थे, गण लोगों ने बताया कोई ऐसा जा रहा है अयोध्या का अनहित करेगा, कोई गुफा से मारे हैं बाढ़, और हनुमान जी गिर पड़े मूर्छित थे। अच्छा, उसी गुफा में मार दिए थे बाढ़? अरे गुफा से बाहर निकले तो मारे। अच्छा, तो वो हनुमान जी कहाँ गिरे यहाँ पर? तो वो हनुमान जी का मंदिर है मार से गिरे यहाँ, उसमें कहाँ गिर गए थे वो? नहीं, वहाँ नहीं आए थे, जमीन वही है, अब उनका वो है, अब तो हम इतना नहीं बता सकते कि मतलब यहीं गिरे थे कि वहीं गिरे थे, मतलब जगह वही है, जगह वही है। चलो बात का यही रखिए। हाँ, अब ये राजा विक्रमादित्य की बनवाई हुई है, तो कही है।